नमस्कार, आइए साथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली बिल्कुल एकदम पहले पद तक सूर्य के पहुँच चुकी है, यानी कि आप में किसी भी प्रकार की मेधावी स्थिति के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। अच्छे उत्तम ज्ञान को दर्शाने वाली आपकी ये उंगली यहाँ पर स्थित दिखलाई पड़ रही है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली एकदम सीधी है, बीच बीच में कट आए हुए हैं। बुध की उंगली पर भी थे, यहाँ पर भी कुछ कट आए हुए हैं। जब जब ये कट आते हैं तो ये व्यवहारिक स्थान होता है, यानी कि व्यक्ति अपने आप में अपने, ये सूर्य की उंगली कहलाती है पिता के, पिता की उंगली, माता पिता के लिए सूर्य की उंगली का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है सूर्य के पिता के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति व्यवहारिक हिसाब से जैसा माता पिता के साथ चाहता है ऐसा अपने व्यवहार के अनुसार वो बेचारा कर नहीं पाता, उनके लिए कर नहीं पाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करने वाला होता है। परिवार की जब बात आती है तो माता पिता के साथ पत्नी को भी प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। अब बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली, उस पर भी व्यवहारिक पर यहाँ पर अच्छे कट आए हुए हैं और उंगली पूरी तरह से टेढ़ी भी हुई है, यानी कि आपके जीवन में जब जब शनि की ढैया और शनि की साड़ी साथी आएगी तो आपको आर्थिक और स्वास्थ्य रूप से बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना यहाँ पर दर्शाने वाला आपका ये कट यहाँ पर इस पर भी विराजमान है। तो यहाँ सारी तीन की तीन उंगलियों पर अभी तक कट मिले हैं, यानी कि अच्छे इंडिकेशंस नहीं नज़र आए। बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। यहाँ भी बृहस्पति की उंगली पर ही व्यावहारिक क्षेत्र जो है उस पर ही आपका कट नज़र आया, यानी तीनों चारों क्षेत्र पर जो व्यावहारिक पर्व हैं उनके ऊपर ही आपके ये चारों कट विराजमान हुए। जब चारों क्षेत्र पर कट नज़र आते हैं तो वो चौथे कट का ही बृहस्पति का पर्व कहलाता है, पत्नी का पर्व। यहाँ पर उसके हिसाब से भी कट हैं और नीचे आपके जो धन का पर्व है उस पर भी कट है, यानी आर्थिक रूप से भी परेशान, पत्नी से भी परेशान। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये सारे इंडिकेशंस अच्छे इंडिकेशंस नहीं मिले, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है। अब बात करता हूँ आपकी इस वैवाहिक रेखा की। ये वैवाहिक रेखा है यहाँ पर, वैवाहिक रेखा है यहाँ पर ये, और ये बुध पर्व की बात कर रहा हूँ पहले। बुध पर्व और बुध पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं इस प्रकार को दर्शाती हैं कि व्यक्ति के पास में अपने आप में जो अपनी स्वयं की बुद्धि है, उसकी विवेक है, उसके ऊपर ये कट लगा हुआ है। जब ये कट लगा हुआ होता है तो व्यक्ति को संतान से भी ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है जब तक ये रेखाएँ बनी रहेंगी इस तरह ये कट वाली रेखा। साथ ही साथ क्योंकि पत्नी के क्षेत्र से निकल कर के भी ये रेखा पूरी की पूरी यहाँ से निकल कर के आई है तो पत्नी का भी सहयोग व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो यहाँ ये बुध पर्व के अच्छे इंडिकेशन नज़र नहीं आए। अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्वत पर बहुत सारी झंझावत रेखाओं का, यहाँ अगर एक रेखा पूरी तरीके से खड़ी है तो दूसरी यहाँ पर कट रही है, यहाँ एक रेखा कटी है तो यहाँ एक और रेखा ने आके काटा है। इस तरीके से यहाँ पर रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। ऐसी बात नहीं है कि इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, परंतु सरकारी नौकरी के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है मानसिक तनाव का ख़त्म होना। और सूर्य पर्व पर इस प्रकार के जब चिन्ह होते हैं तो सूर्य पर्वत, मैंने कहा कि पिता से संबंधित भी होता है, तो व्यक्ति को यहाँ तनाव का सामना, सूर्य का मतलब होता है जब कट क्रॉस मिल जाए तो तनाव यानी कि गर्म, यानी कि गर्मी। तो यहाँ अगर कुल मिलाकर देखें तो दिमाग के अंदर तनाव फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा मानसिक शांति के साथ अगर तैयारी करें तब आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिल सकती है, क्योंकि देर से आने वाली एक रेखा जो यहाँ ये काट रही है, ये ऐसी रेखाएँ जब यहाँ काटती है तो ये सरकारी नौकरी व्यक्ति को जीवन में 32 वर्ष तक भी दिलाने की समर्थ रखती है। तो अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर के बाद शनि की। शनि पर और शनि पर ये इस प्रकार की रेखाओं का आना, यानी कि अगर ये देखो
तो कुल मिलाकर के व्यक्ति दान पुण्य भी करेगा, 55 वर्ष के बाद में जीवन में धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे, परंतु खर्च इतने होंगे कि धन का आगमन आना और धन का जाना भी लगातार व्यक्ति का, यानी कि जीवन की पूर्तियां होती रहेंगी, परंतु जीवन के अंत समय तक आपको धन के आगमन बने रहेंगे। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लें। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर इतनी सारी रेखाओं के द्वारा देखना, यानी व्यक्ति के अंदर बिल्कुल साहसिक रूप पूरी तरीके से समाया हुआ है, और उसके बाद में जो है व्यक्ति अपने साहस के द्वारा यहाँ पर अपने जीवन में एक मकान अवश्य बना पाएगा, तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपका बृहस्पति पर्व है। अब बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा की, इसको बोलते हैं विवाह रेखा के साथ साथ हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ पर यदि देखो कुल मिलाकर के, तो इसमें नीचे को गिरती हुई रेखाओं का ज़्यादा इंडिकेशंस है। जब जब नीचे को गिरती रेखाओं का इंडिकेशंस होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, कभी कभी पेट के मामलों में कह सकते हैं, और बाद की आयु में जब जाकर के देखा जाएगा, अभी तो कोई विशेष यहाँ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मानसिक चिंताओं के अलावा। साथ ही साथ पत्नी की रेखा का इतना ज़्यादा ढलवा हो जाना, जब ये व्यक्ति की इतनी ज़्यादा ढलवा रेखा हो जाती है और पूरी तरीके से वहाँ नहीं पहुँचती, तो पत्नी की तरफ से मानसिक चिंताओं को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर हृदय रेखा ठीक ठाक है। तो चलिए, तो ये मैं आपको बता दूँ आपके एक सवाल का जवाब भी, कि पत्नी एवं माता के बीच में लड़ाई है, कैसे सॉल्व करें। देखिए, जब पत्नी और माता के बीच में लड़ाई है तो आप उससे बिल्कुल अलग ही रहें तो अच्छी बात है, ना पत्नी की तरफ से बोलें ना माता जी की तरफ से बोलें, समझे। आप दोनों को जब अलग अलग मिलें तो दोनों को अलग अलग समझाने का प्रयास करें, बाकी अपना टारगेट अपने काम के प्रति करें, क्योंकि जब घर के अंदर आर्थिक स्थिति भी मजबूत ना हो और मानसिक चिंता आपको भी लगी हो, तो आप अपने टारगेट कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ ये स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि पत्नी की रेखा भी आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो तो रुकने वाली है नहीं। माता जी को ही समझा लें अलग अलग करके, तो इसका कोई उपाय वैसे कोई नहीं है, आप इसके बीच में कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट ना रखें तो ज़्यादा अच्छी आपके लिए बात होगी। तो चलिए, ये आपकी बात हो गई। अब मैं नीचे की बात करता हूँ। यहाँ पर बात करते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व आपका अनुकूल बना हुआ है। जब मंगल पर्व अनुकूल बना हुआ होता है तो व्यक्ति साहसिक होता है, यानी अपने आप उसे अपने कर्म के हिसाब से तो बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। यहाँ पर कुल मिलाकर जब ये रेखाएँ अच्छी हैं तो ये व्यक्ति के साहस के द्वारा यहाँ पर व्यक्ति धन कमा ही लेता है। एक रेखा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करूँगा अभी मैं। अब मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी आकर के आप में कोई साहस की कमी नहीं थी। यहाँ लिखें अगर मैं बात देखता हूँ तो यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा से इतनी रेखाओं जो बृहस्पति की तरफ उठ रही हैं, यानी कि यहाँ व्यक्ति अपने धन के माध्यमों से व्यक्ति जो है कई कई प्रकार से यहाँ पर धन कमाने में समर्थ था। तो शुरू वाली रेखा में बहुत अच्छी साहसिक रेखा है, आप तो कमाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा का एक यहाँ इंडिकेशन कट करके जब बुध पर्व के साथ इस तरह जाके हृदय रेखा के साथ मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति अपना धन अपने परिवार में खर्च करने के अलावा कोई दूसरा मित्र भी मिल जाता है, दूर का रिश्तेदार भी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे परिवार वालों को भी धन दे देते हैं। तो यहाँ पर एक मस्तिष्क रेखा ने इस तरह जाके हृदय रेखा को छुआ। साथ ही साथ आगे जाके मस्तिष्क रेखा एकदम बार करके पूरे यहाँ जाकर के चंद्र पर्वत से इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, यानी कि इस बात को दर्शा रहा है कि आप दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाएंगे। तो एक तरीका ये भी है पत्नी के और माता जी के बीच में कि भाई आप दूर स्थान पर जाकर जॉब कर लो, यहाँ इंडिकेशंस भी वही दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा, तो उनके वैचारिक अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये भी है, अच्छी बात नहीं है मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस रेखा में लिखा है दूर स्थान से सहयोग, दूर स्थान पर जाकर कमाओगे तो अच्छे धन के आगमन आपके पास बनेंगे। तो चलिए, ये बात हो गई। अब बात करता हूँ आपकी व्यावसायिक रेखाओं के बारे में। व्यावसायिक रेखाएँ हाथ के अंदर टूट टूट कर चलती हुई व्यावसायिक रेखाएँ, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहूँगा कभी भी व्यापार में हाथ आजमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी व्यावसायिक रेखा नहीं है, और बाद में भी बुध पर्वत को भी एक रेखा ने काटा है, तो कहीं कोई जल्दबाजी करके आप गलत निर्णय ना ले लें, तो व्यवसाय के अंदर आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो तो यहाँ पर अच्छी बात आपके लिए, वरना व्यवसाय में आपको नुकसान होने वाला है।
चलिए, तो व्यवसाय का भी आपके यहाँ पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करिए या प्राइवेट जॉब करिए। तो चलिए, अब आपकी बात हो गई, एक और बात पर कर लेता हूँ मैं इसके बाद में, आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। एक भाग्य रेखा आपकी यहाँ से जुड़ करके चली है, यानी कि ये भाग्य रेखा लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो आयु के जिस खंड में उससे 29 में आप बात कर रहे हैं, और ये क्योंकि आपके आयु रेखा के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कहीं से कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा सहयोग ले सकते हैं या कोई दूसरे काम के द्वारा। यहाँ देखने में लगता है कि व्यक्ति अपने जीवन के जिस समय पर 35वें वर्ष में पहुँचेगा, तो उसको जाकर के दो स्रोतों के द्वारा आमदनी के स्रोत बनेंगे। यहाँ आपकी आयु इस समय 29 वर्ष है, 29 वर्ष पर यहाँ एक कट लगा हुआ है, पिस्ता कोई ना कोई नौकरी में परिवर्तन हो सकता है 29वें वर्ष में। इसके बाद में 35वें वर्ष में भी आपको एक राहु रेखा ने काटा है, ये भी आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ होगा। फिर इसके बाद में आपको रास्ते आपके सही बन जाएंगे, यानी मैं सही रूप से कहूँ तो 35 वर्ष के बाद में आपका भाग्य उदय ठीक प्रकार से हो रहा है। तो उसमें आपको दो माध्यम बनेंगे, हो सकता है पत्नी भी कमाए, आप भी कमाएं, हो सकता है आप दो माध्यमों से कमाएं, नौकरी से भी कमाएं और व्यवसाय से भी कमाएं। तो ये 35 वर्ष से के बाद में ज़्यादा अनुकूल स्थिति आपके हाथ के अंदर दर्शित हो रही है। अभी बहुत टिपिकल है, मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा, वो करेंगे तो आप स्थिति अनुकूल हो जाएगी। तो चलिए, ये आपकी बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत एकदम सूखा हुआ है, साथ ही साथ जब ये नीचे से खड़ी हुई रेखा इतनी ज़्यादा शुक्र रेखाओं को काटती हैं, इधर वाली रेखाओं को काटती हैं, तो ये अड़चनों की रेखाएं होती हैं। यानी कि आपके सुख साधनों की बात करें तो बिल्कुल निम्न स्तर के सुख साधन आपके पास हैं, और यहाँ पर बहुत ही इस समय पीड़ित स्थिति है सुख साधनों के मामले में। तो कुल मिलाकर के ये वर्तमान की बात है, सारी उम्र की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए, यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने बताई आपके सारे पर्वों के बारे में, उंगलियों के बारे में, रेखाओं के बारे में बताई। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं, तो यहाँ आयु रेखा के बारे में, ये आयु रेखा अभी वर्तमान में 76 वर्ष की बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं, इसके बाद में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के आयु रेखा भी हो गई। संतान रेखाओं के बारे में देखें, आपके हिसाब से संतान रेखाओं के पर में काफ़ी कुछ झंझावत है। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी को एकाध गर्भ का सामना गिरने का करना पड़े, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा ये पता लगता है कि आपको जीवन में कितनी संतान प्राप्त होंगी। तो कुल मिलाकर के सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके घर के अंदर सुख शांति आए। बिल्कुल पति पत्नी, पत्नी माता पिता के बीच में झगड़ा झंझट सब चीज़ बंद हो जाएगी। सिर्फ आपको रोजाना एक काम करना है, अपने घर के अंदर राम रक्षा स्रोत, किसी को भी मत बताइएगा, राम रक्षा स्रोत अपने घर में बैठ करके रोजाना पढ़ें, और ऊंची आवाज़ में पढ़ें जो पूरे घर के अंदर उसकी आवाज़ पहुंचे, मंद स्वर में या तेज स्वर में, जैसे भी पूरे घर के अंदर पहुंचे, आपकी पत्नी के कानों में भी पढ़े, माता जी के कानों में पढ़े। बाद में आप हनुमान अष्टक पढ़िए, राम रक्षा स्रोत के बाद आप हनुमान अष्टक पढ़िए, बस ये दोनों पूजा करिए, फिर देखिए आपके विघ्न कैसे दूर जाते हैं, घर के अंदर शांति, फाइनेंस की स्थिति आपकी फ्यूचर में बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ अनुकूल स्थितियां होती चली जाएंगी। ये दो पूजा आप अपने साथ जोड़ लीजिए, यदि संभव हो सके तो आप एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में आप धारण कर सकते हैं, आपको मिल जाए तो ले लीजिए, वरना आप हमसे भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं जिससे आप जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक बृहस्पति की उंगली के लास्ट में मुझे कहना पड़ गया देख करके कि उंगली बहुत छोटी है आपकी, तो यहाँ टावरों ने आपका सहयोग नहीं दिया है, उन टावरों की वजह से आप ज़्यादा परेशान हुए हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया होगा।